प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज हम अंडकोश में सूजन या दर्द के बारे में बात करेंगे। अगर आपके अंडकोश में सूजन या दर्द रहता है तो आज हमारे पास आने वाले अधिकतर लोगों में ये समस्या 80 से 90% पाई जाती है। अगर आपके अंडकोश में सूजन या दर्द की समस्या है तो उसके समाधान के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहली बात, अगर आपके अंडकोश में सूजन है, दर्द है या आपका अंडकोश फूल गया है, उसमें दर्द रहता है या पानी भर गया है और उसकी साइज बड़ी हो गई है तो हाइड्रोसिल हो सकता है। हाइड्रोसिल क्या होता है? अगर आपके अंडकोश में एक झिल्ली होती है जिसे पानी भरा रहता है, अगर किसी भी कारण से चोट लगने से या झटके लगने से उसका ड्रेनेज सिस्टम खराब हो गया, उसे पानी भर गया और अंडकोश का साइज बड़ा हो गया है तो वो हाइड्रोसिल है। दूसरी बात, अगर आपके अंडकोश में गठाने नजर आ रही हैं और आपको हाथ से छूने से गोल गोल मोती जैसी गठाने नजर आती हैं और उसमें सूजन या दर्द रहता है तो वो एपिडाइमल सिस्ट है। इसमें सूजन और दर्द की शिकायत रहती है और इसको दबाने से दर्द बढ़ जाता है। कई बार दर्द की दवा लेने से भी ये ठीक नहीं होता, इसलिए इसका प्रॉपर इलाज कराना जरूरी है। इसका तीसरा मुख्य कारण, अगर आपके अंडकोश में नसें फूल गई हैं या नीली नीली नसें आपको नजर आ रही है तो ये वेरिकोसिल है। अगर किसी कारण से चोट लगने से, झटका लगने से आपके अंडकोश के वाल्व खराब हो गए हैं और उनमें ब्लड क्लॉट्स जम गया या खून का थक्का जम गया जिससे नसें फूल गई हैं तो ये वेरिकोसिल हो गया है। अगर आपके अंडकोश में सूजन या दर्द है और आपको ये लगता है कि इन तीनों में से कोई भी समस्या आपको है तो आप इसके लिए एक स्कॉटम अल्ट्रासाउंड कराएं। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद हमें ये पता लग जाएगा कि इन तीनों में से कौन सी बीमारी है और आप ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मेरे नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें, मेरे से कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं और मेरे से इसके बारे में निःशुल्क परामर्श कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय भारत, जय आयुर्वेद। धन्यवाद।